Audio Jungle. हम इस समय मौजूद हैं राजमाता झंडे वाला मंदिर, जहाँ पर कि श्री राजेश्वरानंद महाराज जी के सानिध्य में यहाँ एक कन्या की शादी की जा रही है। लॉकडाउन के चलते जिस तरह से ब्याह शादियाँ पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे बाजे गाजे के साथ नहीं हो पा रहे हैं, वहीं अब ये शादियाँ इस तरह से एकांत में और पूरे लॉकडाउन के नियमों का पालन करके की जा रही हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सामने महाराज राजेश्वरानंद जी खड़े हैं और उसके बाद साथ में दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं और जयमाला की यहाँ तैयारी की जा रही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि माला पहले सैनिटाइज की गई थी, कि खुद राजेश्वरानंद महाराज जी ने भी कपड़े से मुंह ढक रखा है और साथ में दूल्हे ने भी मास्क लगा रखा है और दुल्हन ने भी यहाँ मास्क का प्रयोग किया गया है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि माला की रस्म पूरी हो रही है, एक दूसरे के जयमाला डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से ये शादी की रस्म पूरी हो रही है और जयमाला डाली जा रही है। उधर अब लड़का माला डाल रहे हैं, दूल्हे ने माला डाल दी है दुल्हन के, और ये शादी का जो मुहूर्त है जयमाला डाल के वरमाला एक तरह से डाल के पूरा कर दिया गया है। हमारे साथ राजेश्वरानंद महाराज जी हैं, आइए बात करते हैं कि शादी जो लॉकडाउन के चलते की जा रही है किस तरह की इसे तैयारी की गई, तो कैसी गई। महाराज जी बात करें, इस तरह देखा जा रहा लॉकडाउन के चलते काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं शादी ब्याह में, तो यहाँ जो आप शादी करा रहे हैं ये क्या कहना चाहेंगे? हमारे सनातन धर्म में इस समय विवाह पक्ष चल रहे होते हैं, यानी सब शुभ लगन है और सैकड़ों की तादाद में दिल्ली में शादियां थी। इस समय पर कोरोना संकट के चलते हुए कई शादियां निरस्त हो गई, कई शादियां स्थगित कर दी गई, कई रिश्ते टूटने के कगार पर हैं। समाज को एक संदेश देते हुए कि शादियों को स्थगित करने से अच्छा है, शादियों को निरस्त करने से अच्छा है, किसी रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है कि आप बड़ी सादगी के साथ इन विवाहों को संपन्न करवाकर हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। अक्षय तृतीया से लेकर आज तक हमने श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर में कई शादियां की हैं और आपके चैनल तेज निगाहों के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं। इस प्रकार से शादी, अब देखिए ये शादी हो रही है, इनमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग धन की दृष्टि से कमज़ोर हैं या बड़े उच्च वर्ग के हैं। कोई भी हो, चाहे वो बहुत धनवान आदमी हो या किसी के पास चार पैसे कम हो, कोई आदमी भी इस प्रकार से सादगी से विवाह करके वो समाज को एक मैसेज दे सकता है कि हम जो फालतू के खर्चे, फिजूल खर्ची, आडंबर और इतना पैसे को जो वेस्ट करते हैं, वही इन नव दंपतियों के लिए काम आएगा और इनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए कितने सुंदर तरीके से बड़ी सादगी के साथ आज ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना, सैनिटाइज़र, देखिए ना कितने सुंदर तरीके से जयमाला को भी सैनिटाइज किया गया, इस पूरे मंदिर को पहले सैनिटाइज करवाया गया और जैसे ही आप लोग यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे, बच्चे की डोली जाएगी, विदाई होगी, तब भी सारा मंदिर सैनिटाइज करवाया जाएगा। इस प्रकार से लोग डाउन के नियमों को पालन करते हुए ये विवाह संपन्न हुआ और इन बच्चों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में इनकी सुखमयी ग्रस्त जीवन के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर की तरफ से, कपड़े, बर्तन, गैस चूल्हा और ये सारी चीज़ें इनको उपहार के स्वरूप में हम दे रहे हैं। हमारे साथ दुल्हन मौजूद है, ये बात करते हैं कि जिस तरह लॉकडाउन में शादी की दिक्कतें आ रही थी और आज यहाँ राजमाता झंडे वाला मंदिर में इनकी शादी कराई जा रही है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए, तो जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। नाम जानना चाहेंगे आपका? नीलम। नीलम, बात करें, जिस तरह देखा गया है ये लॉकडाउन के चलते शादियों में दिक्कत आ रही थी और आपकी शादी यहाँ पर कराई जा रही है, क्या लग रहा है आपको? हम बड़े परेशान थे, शादी कैसे हो, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया हमारी शादी में। क्या कहना चाहेंगे, जो लॉकडाउन के चलते जिस तरह शादी की पूरा वो होता है वो नहीं हो पा रहा है और अब इस तरह शादी की है, अब खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। इस तरीके से शादी की है, प्रॉब्लम हो रही थी, सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं शादी। नाम बताएं? नाम देव अग्रवाल।
हाँ देव बताएं, जो लॉकडाउन में शादी हो रही है जहाँ बहुत बड़े गाजे बाजे के साथ होती है, आज शांत स्वभाव से होती है, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम थी चक्कर में करनी पड़ रही है कोरोना के चलते, इस टाइम थोड़े परेशानी में थे, इस चक्कर में गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, चक्कर में शादी संपन्न हो रही है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। मंदिर प्रबंधक राम बोरा जी आप हाथों से घड़ी प्रदान कर रहे हैं, दुल्हन को घड़ी दी जा रही है, उधर दूसरी साइड में आप बात कर सकते हैं कि वहाँ पर भी दूल्हे को भी हैंड वॉच दी जा रही है, जो राम बोरा जी हैं मंदिर के प्रबंधक हैं वो अपने हाथों से दूल्हे को घड़ी प्रदान कर रहे हैं। तो तस्वीरों आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, दूल्हा दुल्हन बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, और राजेश्वरानंद गुरु महाराज जी हैं जो कि कन्या वर कन्या को आशीर्वाद है, गुरु माता उनके साथ हैं जो कि वर वधु कन्या को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और हवन यहाँ पर संपन्न हो गया है, और बाद में देख सकते हैं पंडित जी ने भी खुद मास्क लगा रखा है, और कोई भी बराती आप देख सकते हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो घराती हैं बराती हैं कोशी हिसाब से यहाँ पर लोग आए हैं, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मास्क नहीं लगा रखे होंगे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर चारों तरफ घर वाले भी हैं और वर पक्ष वधु पक्ष के लोग सारे बैठे हैं। लॉकडाउन के चलते भले ही मार्केट बंद हो लेकिन यहाँ शादी का सवाल आता है, वो भी 5 लोगों के साथ शादी की जाती है, गरीब कन्या की शादी की जाती है, तो महाराज जी ने यहाँ पर बहुत ही अपने तरीके से बहुत अपने शिष्यों के द्वारा जिस तरह भी कोशिश की गई, यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं पूरी शादी का वो सामान जो ज़रूरत का सामान है, आप घड़ी देख सकते हैं, घड़ी है, श्रृंगार का सामान है, हार है, लड़के के कपड़े हैं, तौलिया है, और जहाँ पर बैग और गैस चूल्हा है आप देख सकते हैं, ज़रूरत घर की जो ज़रूरत की सामान है वो यहाँ पर सारा अरेंज किया गया है ताकि इस परिवार को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और कोरोना के जो महामारी से लड़ने का पूरा देश यहाँ संकल्पित है, वहाँ दूसरी तरफ एक जरूर सोचने को मिला है कि इस कोरोना के चलते लोगों में पुरानी सभ्यता का समावेश हुआ है। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। Audio Jungle.